ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमारी पिछली सीरीज देखी, जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ कि आप लोगों को टीम बनानी चाहिए, टीम बनानी चाहिए। टीम के बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। स्पेशली अगर मैं जो हूँ बात करूँ होलसेल मॉडल की, तो उसके अंदर एक इंसान जो है वो अकेला बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, अब इससे अगली कंसर्न जो स्टूडेंट्स की आ रही होती है वो ये आती है कि मैम, चले हमने टीम भी बना ली है, अब आगे टीम को लेके किस तरीके से चलें, काम को किस तरीके से डिवाइड करें। हम लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है, या टीम बनाने के बाद जो है वो समझ नहीं आता कि फर्दर इसको कैसे हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थॉट कि मैं जो हूँ वो आप लोगों को उसके बारे में भी गाइड कर दूँ कि ठीक है, आप लोगों ने टीम बना ली है, तो अब आगे आपने इस टीम से किस तरीके से काम लेना है और कैसे आप जो है वो अपने काम को मजीद प्रोडक्टिव जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, सो हियर आर सम पॉइंट्स जो कि मैं डिस्कस करूंगी, तो आप लोगों को अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपने जो है वो टीम बनानी है। एटलीस्ट कोशिश करें कि 5 मेंबर्स की टीम हो, लेकिन स्टार्ट में तो एकदम से आपको लोग नहीं मिलते हैं, अपने लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते या वैसे नहीं मिलते, लेकिन स्टार्ट में तो अगर आपके साथ एक भी इंसान है तो आप 2 बंदों की टीम तो ऑलरेडी है। सही है, आपने उसके हिसाब से काम को डिवाइड करना है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा बंदे हैं तो आप कम से कम कोशिश करें कि 4 से 5 लोगों की टीम आप बनाएं। ठीक है, 5 लाइक 5 मेंबर्स एक आइडियल नंबर है, आप इसको इजीली जो है वो मैनेज भी कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज डिवाइड वर्क अमंग देम। अब मेन पर्पस क्या है, जब आप लोग आपस में मिले हैं, आपने एक टीम बनाई है, वो यही है कि आपने काम मिलके करना है। ठीक है, आपने एक बंदे की सक्सेस नहीं देखनी है, आपने देखना है कि हम 5ों ने एक साथ सक्सेसफुल होना है। आप 5ों सक्सेसफुल होंगे, आप सबको जो है वो उस चीज का बेनिफिट होगा। सही है, तो अब आप लोगों का नेक्स्ट मरहला ये है कि आपने जो है वो काम को डिवाइड करना है। यू कैन सी दिस थिंग के 5ों उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई किसी चीज में जो है वो ज्यादा काबिल होगा, किसी के अंदर थोड़ी सी लीडरशिप वाली क्वालिटी ज्यादा होगी, जो आगे आके लीड करना जो है वो ज्यादा अच्छे जानता होगा, आप उसको जो है वो उस पोजीशन पे रख सकते हैं। दैट डजंट मीन के दैट विल बी द लीडर और वो जो है वो सबके ऊपर भरोसा जमा के रखेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक फ्रंट फेस जो है ना वो हमेशा टीम का होना चाहिए। तो आप उस बंदे को जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि अब आपने काम कैसे लेना है। देखिए, आपने काम को डिवाइड करना है, डिवाइडेड सेंस में करना है कि आपके ऊपर वर्कलोड क्या है। अब अगर मैं बात करूँ होलसेल मॉडल की, आपकी कोई भी नीश आप उससे रिलेटेड चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, होलसेल में सबसे ज्यादा मेन चीज क्या होती है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड्स का डाटा होना चाहिए, उनको आपने डेली कॉल्स करनी है, उनसे अप्रूवल्स लेने हैं, और अप्रूवल्स लेने के बाद अपने प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज करना है। ये 3 काम जो है ना ये बहुत ज्यादा मेन है, तो अब आपने इन 3 को ही डिवाइड करना है। सही है, इन 3 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि 2 बंदों को आपने डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले लगाना है, 2 बंदों को आपने एटलीस्ट ब्रांड के साइड पे लगाना है। जिस चीज में काम ज्यादा है आप बंदे उस तरफ ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं। अब वो 2 बंदे जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटर्स को डील करेंगे, उनकी शीट वगैरह बनाएंगे, उनको कॉल करेंगे, उनको फॉलो अप करेंगे, आपस में भी कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और इस तरीके से जो है वो काम करेंगे। सिमिलरली 2 बंदे जो है वो लग जाए कि वो करेंगे ब्रांड्स वगैरह को फाइंड आउट करेंगे, उनको कॉल्स वगैरह करेंगे, एक जो है वो जो कैटलॉग आ रहा है उसको स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद उसमें से प्रोडक्ट को एनालाइज करेगा। सही है, इस तरीके से आपने क्या करना है कि काम को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप वो ये है कि आप इन स्किल्स को, आप इस डिवीजन ऑफ वर्क को जो है वो शफल भी कर सकते हैं। लाइक एक बंदा जो है वो काफी टाइम के लिए काम कर रहा है, आप उसको दूसरे पे ला सकते हैं, क्योंकि जब आपने टीम बनाई है तो ऐसा तो है नहीं ना कि किसी बंदे को सिर्फ एक ही काम आता होगा और बाकियों को वो काम नहीं आते होंगे। सही है, आप इस चीज को शफल भी कर सकते हैं। अब इसका जो पर्पस है ना, वो मेन पर्पस यही है कि हर बंदे को हर स्किल आनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक हमारी टीम है, हमारी टीम में काफी सारे लोग हैं, तकरीबन सबको सब काम आते हैं, स्पेशली जो हमारे होलसेल मॉडल या अमेजोन से रिलेटेड स्किल्स हैं वो सारी आती हैं। चले उससे हट के अगर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग या एक्स्ट्रा स्किल्स की बात कर लें तो वो किसी के पास अच्छी होती है, किसी के पास नहीं होती, किसी की रिसर्च होती है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने इस तरीके से ही काम करना है कि हर बंदे के पास स्किल हो। क्यों? क्योंकि देखें, अगर टीम में कोई सिर्फ एक बंदा कॉल्स कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे हैं, उनको झिझक आ रही है, जो भी है वो कॉल्स कर रहा है, वो आपको अप्रूवल लेके दे रहा है, कल को किसी भी वजह से वो आपकी टीम में से जाता है, तो आप तो बिल्कुल पैरालाइज हो जाएंगे, आप तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। सही है, इसी तरीके से एक बंदा है, उसका एनालिसिस अच्छा है, वो एनालाइज कर ही जा रहा है, वो आपको दे रहा है, आपने ना उसके ऊपर कभी काम किया, ना उसके ऊपर कभी ग्रिप जो है वो हासिल करने की कोशिश की, कल को वो जाएगा तो आप लोगों को प्रोडक्ट का एनालिसिस नहीं करना आ रहा होगा। सही है, सो इसलिए काम को आपने ऐसे डिवाइड करना है, एंड मेक श्योर दिस थिंग कि आपको हर चीज आती हो, आपको हर स्किल आती हो। जब आप कॉल्स करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, तभी मैं कहती हूँ कि कॉल्स नहीं भी आती तब भी करें। ठीक है, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए और आप लोगों को पता लगे कि आपने जो है वो ये काम किस तरीके से करना है, इसलिए बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक एक कुर्सी की 4 टांगे होती है, अगर एक भी टूट जाए तो वो कुर्सी किसी काम की नहीं रहती। सही है, डू नॉट फोकस ऑन अदर
पर्सन्स वर्क। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप टीम में काम कर रहे हैं ये जरूरी है कि हर बंदे को जो काम दिया गया है उसने अपने टाइम पे करना है, ठीक है। उसने ये नहीं देखना कि दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा, वो करेगा तो मैं करूंगा। आप अपने काम से काम रखें, आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा काम है, इसको मुझे टाइम पे करना ही करना है। अगर हर बंदा इस जिम्मेदारी को ले लेगा ना, और ये सोचेगा कि मुझे दूसरे के काम पे नजर नहीं रखनी, मुझे अपने काम पे नजर रखनी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो सब काम करेंगे, टाइम पे करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। तो इस चीज के ऊपर भी आपने लाजमी तौर से काम करना है, ठीक है। एक दूसरे के साथ आप पूछें, नो हाउ होनी चाहिए ताकि सबको पता हो कि यार अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं नजरों में आऊंगा और मुझे पूछने वाले भी हैं। लेकिन इसका हर किस मतलब नहीं है कि आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करेंगे। किसी का पोटेंशियल अच्छा होता है, किसी का थोड़ा सा कम होता है, किसी को आपको अपने साथ लेके चलना सही है। गिव योर 100%, अगेन वही चीज है कि अपना आपने बेस्ट देना है और अपने टीम मेंबर को अपने साथ लेके चलना है। ऑल मेंबर्स वर्क ऑन क्लाइंट हंटिंग। अब ये तो आपने काम डिवाइड कर लिया, लेकिन जो पार्ट है क्लाइंट हंटिंग का उसके ऊपर आप सबने काम करना है, ठीक है। ये एक ऐसी स्किल होगी है, ये ऐसा काम होगा जो डिवाइड नहीं होगा कि एक बंदा जो है वो हमें क्लाइंट ला के दे रहा है, क्योंकि क्लाइंट हंटिंग इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आपने क्या करना है कि बाकी सारे आप लोग बैकअप पे लगे हुए हो, आप काम कर रहे हो, सब कर रहे हो, क्लाइंट्स को सबने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सब इस काम पे लगे रहेंगे, फिर जब क्लाइंट मिलता है तो उसके साथ आपने जो है वो मिलके मीटिंग करनी है, क्योंकि वो आप सबका क्लाइंट होगा, सही हो गया। सो दीज आर सम सजेशंस व्हिच आई रियली वांट टू गिव यू गाइस। और मजीद आप जैसे जैसे काम करेंगे, आपका जिस तरीके के लोगों से इंटरेक्शन होगा, आप बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं आपको बहुत सी चीजें इसलिए भी नहीं बता सकती बिकॉज यू आर ऑन द इनिशियल स्टेज, मोस्ट ऑफ यू, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप करेंगे, जैसे जैसे आप काम लेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि अंदर के क्या हर्डल्स होते हैं, और फिर आप उससे और ज्यादा सीखेंगे। लेकिन ये बेसिक्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर बंदा अपने काम के साथ ऑनेस्ट हो एंड ऑनेस्टली काम करे, तो आप जो है वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे, टीम भी अच्छा काम करेगी और आप इस टीम को मजीद जो है वो आगे बढ़ा भी सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो दिस वीडियो विल गोना हेल्प यू। थैंक यू सो मच।